वो साइड से अगर सनराइज होता है तो सन जब आएगा उदय होगा तो गाइस पहली किरण यहाँ पर पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूँ ना, हर जो हिस्से में मंदिर का हर जो पार्ट है उसमें एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री से भरा हुआ ये सन टेम्पल है। वो चक है ना, वो वहीं पर भी टाइम दिखा जाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड, आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत खूबसूरत प्लेस और बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस उड़ीसा का, वो है कोणार्क सन टेम्पल। और मैं आज घूमने आया हूँ कोणार्क सन टेम्पल, और आप लोग देख सकते हो मैं अभी एंट्री ले रहा हूँ कोणार्क सन टेम्पल में। ये आपको एंट्री लेने के लिए आपको टिकट करना पड़ेगा, वो टिकट काउंटर पीछे है, आप लोग टिकट करोगे। इंडियन हो आप तो आपको पर पर्सन 40 रुपीज़ में आपका टिकट हो जाएगा, और आपको अंदर टिकट दे देंगे और आप लोग जा सकते हो अंदर। और गाइस मैं अभी एंट्री ले रहा हूँ कोणार्क टेम्पल में, आप लोग देख सकते हो आगे मैं एंट्री लूँगा। वहाँ पर जो काउंटर है वहाँ पर आप लोग टिकट दिखाओगे, उसके बाद आपको एंट्री करेंगे जाने के लिए सन टेम्पल कोणार्क में। तो फ्रेंड चलो मैं आपको आगे बताता हूँ सन टेम्पल के बारे में, और बहुत मज़ा आ रहा है आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा। तो फ्रेंड मैं अभी एंटर कर चुका हूँ टेम्पल में, सन टेम्पल में, और आप लोग पीछे देख सकते हो वो काउंटर है जहाँ पर आप लोग टिकट सबमिट करके आप लोग अंदर जाओगे। और ये कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ से, और देख सकते हो आप बहुत खूबसूरत है, लेकिन बहुत मज़ा भी आ रहा है। और आप लोग देख सकते हो बहुत बड़ा ये सन टेम्पल है, देख सकते हो ऊपर। अभी थोड़ा ऑक्सीजन है इसलिए ज़्यादा लोग नहीं है, और धूप बहुत है इसलिए जो टूरिस्ट लोग हैं वो कम आए हैं यहाँ पे। क्या व्यू आ रहा है गाइस, लोग देख सकते हो, मैं दिखा रहा हूँ कुछ इनोवेटिव व्यू। सो फ्रेंड अभी मैं जो सन टेम्पल है उसके नीचे हूँ, और बहुत अमेजिंग व्यू आ रहा है गाइस यहाँ से। और इसके बारे में, सन टेम्पल के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ गाइस। आप लोग देख सकते हो पीछे मैं सन टेम्पल के नीचे हूँ, और मैं वो अंदर वहाँ पर जाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर जो है वहाँ पर जाने नहीं दे रहे हैं हम लोग। यहाँ से आके यहाँ से आप जितने दूर से देखोगे उतना ही मज़ा आएगा, पास में आओगे तो आपका आँख जो ऊपर नहीं जाएगा। और मैं आपको बता देता हूँ सन टेम्पल के बारे में, जहाँ पर जो सन टेम्पल इसका नाम हुआ है, अगर सनराइज होगा तो जो पहली किरण आता है ना वो ये सन टेम्पल पे पड़ता है उसके मुड़, और उसके बाद वापस उठता है, इसलिए सन टेम्पल है। और बहुत मज़ा आता है, आप लोग अगर आओगे यहाँ पर घूमने के लिए सन टेम्पल, तो गाइस आपको बहुत टाइम चाहिए घूमने में। अगर एक डेढ़ घंटा आपके पास है तो ये मेरे हिसाब से गाइस हो नहीं पाएगा, आपको मिनिमम 3 आवर्स लगेगा यहाँ पर घूमने में, क्योंकि बहुत बड़ा है इसका एरिया। और आप लोग घूमते रहोगे और आपका जो सफ़र वो आप घूम नहीं पाओगे, ये सन टेम्पल बहुत बड़ा है। आप लोग देख सकते हो पीछे कुछ ऐसा मंदिर का व्यू आ रहा है, और साइड में ऐसा कुछ पार्क टाइप का बनाया है इन लोगों ने। और आप लोग देख सकते हो कुछ, मैं आपको चारों दिशा से दिखाता हूँ, देख सकते हो ऐसा कुछ है। और मैं गाइस इसके बारे में कुछ मुझे मालूम नहीं है मंदिर के बारे में, और क्या कौन सा क्या है और कहाँ पर क्या है, इसलिए मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ और जानकारी दे नहीं पा रहा हूँ, इसलिए सॉरी गाइस। आप लोग व्यू देखना और कमेंट में बताना कैसा है सन टेम्पल उड़ीसा में। आप लोग देख सकते हो तो ये साइट का एरिया है, और इस साइट में ये। सो फ्रेंड अभी मैं जो सन टेम्पल कोणार्क है मैं उसके अभी पीछे आ गया हूँ, पीछे वाले साइड में। और पीछे वाले साइड में कुछ ऐसा पार्क टाइप का है, पीछे साइड में ऐसा कुछ पार्क टाइप का है। और सामने जो पीछे ऐसा व्यू आता है कोणार्क टेम्पल का, और आप लोग देख सकते हो ये सामने वो क्या है वो मुझे पता नहीं है। और
यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। और अगर आप लोग शाम को आओगे तो मैं भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी बहुत धूप है और मैं अभी 12 बजा है, अभी 12 बज चुका है और मैं 12 बजे मैं आया हूँ, तो बहुत धूप है गाइस और मज़ा भी नहीं आ रहा है, मज़ा और बहुत धूप है और धूप के कारण थोड़ा जो है ना घूमने में थोड़ा इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। और आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसा व्यू है, सन टेम्पल पीछे ऐसा लगता है और साइड में उस साइड में भी पार्क जैसा है सब कुछ। और आप लोग ये क्या है मुझे तो पता नहीं गाइस। सो फ्रेंड अभी मैं एक पेड़ के नीचे हूँ गाइस और बहुत धूप हो रहा है और पसीना पसीना हो रहा है गाइस। और आप लोग अगर गाइस यहाँ पर जो सन टेम्पल कुनार घूमने के लिए आओगे तो गाइस आप लोग देख सकते हो सन टेम्पल ये है। अगर सन टेम्पल घूमने आओगे तो गाइस आप लोग एक टूर गाइड रखना, क्योंकि इसमें गाइस हर जो मंदिर है उसके हर हिस्से में एक मिस्ट्री छुपा हुआ है और आप लोग जानने के लिए कोशिश करोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और ऐसे आप लोग आके घूमोगे तो आपको इतना मतलब कुछ नॉलेज नहीं है तो आप लोग अगर आके घूमोगे तो वैसे ही पत्थर को देखोगे और मंदिर को देखते चले जाओगे, ये मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होगा। आप लोग एक गाइड रखोगे तो गाइस वो आपको बताएगा हर जो हिस्से में मंदिर का हर जो पार्ट है उसमें एक मिस्ट्री है, मिस्ट्री से भरा हुआ ये सन टेम्पल है उड़ीसा में और बहुत मज़ा आएगा। आप लोग देख सकते हो वो चक है ना, वो वहीं पर भी टाइम दिखा जाता है कैसे वो हमें पता नहीं है। और आप लोग अगर आओगे तो एक गाइडर और एक गाइड जरूर रखना, क्योंकि अगर विदाउट गाइड से आप लोग आओगे मंदिर तो आप लोग पता नहीं होगा और आप लोग मेरे तरह ऐसे घूम के जाओगे तो आप लोग अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप लोग पता चलेगा कि वहाँ पर क्या क्या है इस मंदिर के बारे में, ये मंदिर के जो विषय में आप लोग अगर जानोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा घूमने में। और आप लोग इतने दूर से घूमने आओगे तो ऐसे थोड़ी ना जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप लोग आओगे तो एक गाइड जरूर रखना। सो फ्रेंड अगर आप लोग घूमने के लिए आओगे तो गाइस एक अम्ब्रेला जरूर आना, क्योंकि ये सन टेम्पल है गाइस, तो आपको पता है ना सन टेम्पल उसका नाम है और ये सन टेम्पल है तो सन यहाँ पर ज़्यादा किरण यहाँ पर होता है और बहुत धूप होता है, तो इसलिए अम्ब्रेला जरूर आना। और देख सकते हो गाइस क्या व्यू आ रहा है गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता, बहुत ये फील के साथ आप लोग अगर आके देखोगे ना ये मंदिर को तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप लोग देख सकते हो गाइस आपका पैसा वसूल हो जाएगा यहाँ पर आओगे तो। और साइड में अगर आप लोग शाम को आओगे तो आपको ये जो साइड में जो पार्क जैसा हुआ है वो उसका भी आप लोग एंजॉय कर पाओगे, इसलिए आप लोग मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग शाम में आना। मैं अभी बहुत धूप में आया हूँ और धूप से पसीना पसीना हो जा रहा है और अच्छे से मैं यहाँ पर घूम भी नहीं पा रहा हूँ, एक घूम रहा हूँ और वापस छाई में जा रहा हूँ और रुक रहा हूँ, इसलिए आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोग देख सकते हो गाइस कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। आप लोग जो भी साइड से आप लोग देखोगे वहाँ पर मस्त लगेगा मंदिर। आप मैं अभी फ्रंट पे हूँ, आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे मंदिर है और साइड में ये सब है ये सब। सो फ्रेंड अभी मैं एक और हिस्से में हूँ मंदिर का, एक और जो साइड है वो साइड से मैं अभी ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हो इस साइड में मैं हूँ और मेरे सामने सन टेम्पल है और मैं इस साइड में हूँ। तो गाइस मैं बता देता हूँ, तो गाइस वो साइड से अगर सनराइज होता है तो सन जब आएगा उदय होगा तो गाइस पहली किरण यहाँ पर पड़ेगा जो है ना, जो उसके जो टप है वहीं पर पहली किरण सूर्य का पड़ेगा और वापस वहीं पर पहली किरण सूर्य का पड़ेगा, तो गाइस इसलिए उसका नाम है सन टेम्पल। और ये सो फ्रेंड मैं अभी घूम के चारों दिशा से मैं घूम के अभी जहाँ से मैं एंट्री किया था वहाँ से एंटर होता है मंदिर में, वहाँ पर मैं आ चुका हूँ और मैं अभी मंदिर के जो फ्रंट में आ गया हूँ मैं मंदिर के सामने में। और अभी मैं घर जा रहा हूँ गाइस, बहुत धूप हो रहा है और मैं और आज घूमने के लिए आए थे मैं और मेरे फ्रेंड बुल्लू और हम लोग साथ में ही जहाँ पर जाते हैं साथ में जाते हैं और साथ में घूमते हैं और हम लोग अभी यहाँ पर भी साथ में आए हैं। आप लोग देख सकते हो पीछे कुछ ऐसा यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा आता है और ऐसा व्यू आता है कुनार सन टेम्पल का, बहुत बड़ा है और देख सकते हो बहुत बड़ा है। और ये यहाँ से हम लोग एंट्री किए थे और वहाँ से हम लोग जाएंगे गाइस। यहाँ पर चारों साइड में आप लोग देख सकते हो कुछ ऐसे बना हुआ है और वहाँ पर चारों साइड में कुछ ऐसा बना हुआ है और हमें कुछ पता भी नहीं है क्या है वो, तो गाइस मैं अभी बता नहीं पाऊँगा। और गाइस मैं
आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो गाइस लाइक से ना सब्सक्राइब जरूर कर देना और